IQ G7 5G इन द हाउस। ये मोबाइल आता है अपने साथ गेमिंग सेगमेंट को लेकर। जी हाँ गाइस, और ये मोबाइल लॉन्च होने वाला है अंडर 20K। तो चलिए गाइस फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले बॉक्स ओपन करते हैं एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप का टिपिकल बॉक्स देखने को मिल जाता है IQ वालों का, जो कि भाई इसकी मतलब डिजाइन देखो भाई, मतलब ये इन्हीं टाइप का बॉक्स आता है इनका। सो सबसे नीचे देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको एक प्लास्टिक रैप देखने को मिल जाता है जिसके अंदर है क्लियर केस एंड डॉक्यूमेंटेशन। नीचे रखा हुआ है हमारा IQ G7 5G, साथ ही साथ अगर आप देखो तो USB 2 Type-C डेटा केबल देखने को मिल जाती है। अंदर है आपको एक सिम एजिक्टर टूल्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी सिम ट्रे को ओपन करने के लिए। साथ ही साथ 44 वाट को आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है इस सेगमेंट के अंदर। और गाइस बात करूं मोबाइल के फर्स्ट इंप्रेशन की, तो सबसे पहले मुझे देखने को मिलता है बॉक्सी फ्रेम के साथ में। और यहां पर मैं बात करूं इसके स्लिमनेस की, तो ये आपको 7.8 mm थिक देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये बॉक्सी फ्रेम के साथ में आता है तो जो इन हैंड फील आती है, हैंड में फील करने का होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। वन हैंड आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो गाइस, और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इसके साथ में। और ये जो मोबाइल है गाइस मेरे पास अवेलेबल है नॉर्वे ब्लू कलर में। तो पीछे की साइड अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो ड्यूल कैमरास के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। और ये जो नॉर्वे ब्लू कलर है गाइस, ये कलर चेंजेस होते रहते हैं अलग अलग एंगल पर, आप डिफरेंट कलर चेंजेस होते रहते हैं, ब्लू स्काई ब्लू इस टाइप से आपको कलर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वैसे गाइस अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, सो ये मोबाइल अपने साथ लेकर आता है 8GB का रैम एंड 128GB का स्टोरेज। रैम टाइप में आपको मिल जाएगा LPDDR4X रैम एंड स्टोरेज टाइप आपको मिलेगा UFS 2.2। वही बात करें इसके प्रोसेसर की, जिस प्रोसेसर की वजह से इस मोबाइल को ताकत मिली है वो है मीडियाटेक Dimensity 920 प्रोसेसर। इसके जो अंतुति स्कोर है कहीं कहीं केसेस पर 4,65,000 के आसपास आते हैं और कहीं कहीं केसेस पर 4,85,000 तक भी आ सकते हैं। तो यहां पर ये जो प्रोसेसर है 6nm पर बेस है एंड काफी पावर एफिशिएंसी जो है अपने साथ लेकर आता है। वही कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करूं तो इसके साथ अपने को 7 5G के बैंड देखने को मिल जाते हैं, जो कि जरूरत के पोर्ट्स होते हैं वो सारे पोर्ट्स इसके अंदर दिए हुए हैं। वैसे गाइस अगर हम बात करें गेमिंग की, सो इस मोबाइल के साथ आप गेमिंग काफी अच्छी कर सकते हो। जैसे अगर आप ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो तो आपको जो वाइब्रेशन मोटर मिल जाती है, साथ ही साथ हैप्टिक फीडबैक जो है वो काफी अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 4D का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जाइलोस्कोप काफी अच्छे से वर्क कर जाता है। मैंने सेटिंग्स को HDR पर भी सेट किया था और वहां पर भी मैं इसे प्ले कर पा रहा था। बाकी हमने स्मूथ एक्सट्रीम पर प्ले किया जहां पर आप 60fps फ्रेम निकाल सकते थे। वहीं अगर बात करो COD की तो आप यहां पर 90fps प्लस जा सकते हो। गाइस अगर बात करें मोबाइल के फ्रंट साइड की, तो यहां पर आपको 6.38 इंच की डिस्प्ले के साथ में वाटर ड्रॉप नोज मिल जाती है। और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है ये एमुलेट डिस्प्ले मिल जाती है विथ 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में एंड 360Hz टच सैम्पलिंग रेट के साथ में। तो डिस्प्ले क्वालिटी ओवरऑल कहूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पर हमने देखा था तो यहाँ पर HDR कंटेंट जो है वॉच कर रहे थे, HDR आप शो कर पा रहे थे। वहीं अगर इस प्रोसेसर की बात करूं तो प्रोसेसर मिलाकर ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर आप यूट्यूब पर भी अगर कोई वीडियोस प्ले करोगे तो आपको 4K में HDR का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप बात करूं डिस्प्ले क्वालिटी की, डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ब्राइटनेसनेस आपको 1300 की ब्राइटनेस नीड्स मिल जाती है जो कि एक पीक ब्राइटनेस है गाइस, यानी कि इंडोर और आउटडोर विजिबिलिटी आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है एंड डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। वहीं ये डिस्प्ले है जो है अपने साथ लेकर आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि इस डिवाइस को और ज़्यादा लेटेस्ट एंड और ज़्यादा हेल्दी बना देता है यूज़ करने में। वहीं अगर बात करूँ इसके चीन और बेजल्स की, सो बेजल्स मुझे बहुत कम देखने को मिले। टॉप साइड में देखा जाए तो बहुत बेजल्स ना के बराबर है, लेकिन अगर बॉटम में देखा जाए तो हल्का सा बेजल्स ये बड़ा देखने को मिल रहा है, शायद इसे IQ छोटा भी कर सकता था। चलिए दोस्तों लास्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जो है इसका कैमरा डिपार्टमेंट। और यहाँ पर आपको दो कैमरा मेन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको मेन कैमरा देखने को मिल जाता है 64MP का OIS के साथ में, साथ ही साथ 2MP का आपको एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। तो गाइस मेरी शिकायत ये है IQ से कि अगर ये 2MP का डेप्थ सेंसर दिया है जो कि मैक्रोस के काम आएगा और ब्लरीज फोटो में क्लिक करने में काम आएगा, पोर्ट्रेट फोटो में काम आएगा, तो वहीं अगर इसकी जगह अगर आप 2MP डेप्थ की जगह अगर आप 8 या फिर 10MP का एक वाइड एंगल लेंस दे देते हमें तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहता, क्योंकि मैक्रो फोटोज़ इतनी कोई ज़्यादा नहीं निकलता है यहाँ पर और ना ही हम डेप्थ फोटोज़ लेते हैं, क्योंकि डेप्थ फोटो के लिए OIS स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है जो कि इसका मेन कैमरा है, वहीं से सारा काम हो जाता है गाइस। और वैसे अगर ज़्यादा शिकायत नहीं है इससे,
क्योंकि यहाँ पर आपको पता है IQ G7 5G जो है और IQ के जितने भी मोबाइल है गाइस वो गेमिंग सेगमेंट के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कैमरे से शिकायत होगी। बाकी मेरा ओपिनियन जो था मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।